friends, how are you? I hope you all are well and safe at home. I am very happy to know that you are doing your assignment very well. So let's learn something new. Today I will teach you new letter, letter G, capital letter G. G says G, G says G, G for God, G for girl, G for gun, G for grapes. So, let's start. We will recognize letter G through smartness. Four. Five.
we will revise counting 1 to 10. So let's start. 1 2, two ke baad 3, then 4 ke baad, very good, 5 ke baad 6 7, then 8, और 8 के बाद क्या आता है, very good, 9, then 1 0 10. पहले आपने नंबर अलग अलग किए, लिखने की प्रैक्टिस की. अब जब हमारी 1 to 10 कंप्लीट हो चुकी है तो हम 1 to 10 लिखने की प्रैक्टिस करेंगे. सो लेट्स रिवाइज अगेन. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 1 0 10. Now students, we have to do practice. Now students, we will do swar chota o. आज मैं आपको क्या लिखना सिखाएंगे, छोटा ओ. छोटे ओ से क्या होता है, छोटे ओ से ओ की, छोटे ओ से ओ की, छोटे ओ से ओपली, और छोटे ओ से क्या होता है, छोटे ओ से ओस, छोटे ओ से ओस, छोटे ओ से ओपली, छोटे ओ से ओस. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले सेंटर वाली 1 2 3 ब्लू लाइन में हम लिखेंगे स्वर ओ. सबसे पहले क्या बनाना है, सर्कल, सर्कल, देन अगेन सर्कल, स्लीपिंग लाइन, देन स्टैंडिंग लाइन, बन गया छोटा. अब एक और लाइन बनाएंगे इसके साथ खड़ी रेखा, बन गया बड़ा आ. और बड़े आ को यहां से एक स्लैंटिंग लाइन तिरछी रेखा लगाते हुए गोल घुमाने के लिए बन जाएगी हमारी ओ की मात्रा, बन गया छोटा ओ. देखिए आधा गोला, एक और आधा गोला, लेटी हुई छोटी सी रेखा, फिर एक खड़ी रेखा, फिर एक और खड़ी रेखा, और ये जो दूसरी वाली खड़ी रेखा है यहां से एक तिरछी रेखा लगाते हुए गोल घुमाने, बन जाएगा स्वर छोटा ओ. फिर से देखिए आधा गोला, एक और आधा गोला, छोटी सी लेटी हुई रेखा, एक खड़ी रेखा, एक और खड़ी रेखा, और दूसरी वाली जो खड़ी रेखा है इसके बिल्कुल टच करते हुए से एक स्लैंटिंग लाइन यानी तिरछी रेखा लगाएंगे और गोल घुमाएंगे, बन जाएगा स्वर छोटा उ. देखिए उ बनाया, स्लीपिंग लाइन यानी लेटी हुई रेखा, खड़ी रेखा, एक और खड़ी रेखा, और तिरछी रेखा को गोल घुमाया और ये बन गई मात्रा, बन गया छोटा ओ. छोटे ओ से ओखली, छोटे ओ से ओखली, छोटे ओ से ओस. जब हम बारिश होती है और पत्ते के ऊपर बारिश के बाद अगले दिन जैसे पत्ते के ऊपर क्या है, ओस की बूंदे हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं ओस. पानी की बूंदे होती है ना, उसको ओस बोलते हैं. छोटे ओ से ओखली, छोटे ओ से ओस. देखिए छोटे ओ से ओस, छोटे ओ से ओखली, आधा गोला, एक और आधा गोला, छोटी सी लेटी हुई रेखा, खड़ी रेखा, एक और खड़ी रेखा, और स्लैंटिंग लाइन यानी तिरछी रेखा को गोल घुमाए तो बन जाएगा हमारा छोटा ओ. एक बार फिर देखिए, आधा गोला, एक और आधा गोला,
छोटी सी लेटी हुई रेखा, एक खड़ी रेखा, एक और खड़ी रेखा और दूसरी वाली जो खड़ी रेखा है उससे एक तिरछी रेखा मिलाते हुए गोल घुमाएंगे, बन जाएगा हमारा छोटे ओ से ओखली, छोटे ओ से ओस। आधा गोला, एक और आधा गोला, छोटी सी लेटी हुई रेखा, खड़ी रेखा, एक और खड़ी रेखा और दूसरी वाली खड़ी रेखा को टच करते हुए तिरछी रेखा लगाएंगे और इसे गोल घुमाएंगे, बन जाएगा छोटा ओ। नाउ स्टूडेंट्स कैन डू प्रैक्टिस, आपको इस छोटे ओ स्वर की प्रैक्टिस करनी है, लिखने की भी और पहचान भी करनी है और उसको रफ नोटबुक में भी अच्छे से लिखने की प्रैक्टिस करनी है। वी विल डू मस्ती विद इंग्लिश राइम बिट्स ऑफ पेपर। Till that time, stay home, stay safe. Bye.